इस भारतवर्ष में पहली हिंदी फिल्म बनी, फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हुआ, तो कौन सी पिक्चर बनी थी सबसे पहले? राजा हरीश्चंद्र उस पिक्चर का नाम था। और ब्लैक एंड व्हाइट बनी, उसके बाद उसको नवीन तरीके से फिर डायलॉग्स के साथ बनाया गया, फिर एक बार मानव समाज को ये संदेश, उनके जीवन का आदर्श सिखाया गया। और केवल हिंदी सिनेमा में नहीं, कन्नड़ा, मराठी, इन सब जगहों पर उस समय राजा हरीश्चंद्र की इस गाथा को जन सामान्य को बताया गया था। क्यों बताया गया था? ताकि ऐसा आदर्श जीवन हम भी उससे प्रेरणा लें, हमारा जीवन भी वैसा बने। और ये केवल एकमात्र फिल्म नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण शायद इसलिए किया गया था क्योंकि उसके बाद ऐसी कई पिक्चरें बनी जो भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित थी, पर कालांतर में वो मीडिया दूषित हुआ, पिक्चरें अश्लीलता की ओर बढ़ गई, सांसारिक और भौतिकवाद का ऐसा पसारा फैला कि आज वही सिनेमा हमें, हमारे समाज को भौतिकवाद की अंधी दौड़ में भगा रहा है, भौतिकवाद के गर्त में गिरा रहा है। आज हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो गए हैं और हमारे युवा पदभ्रष्ट हो गए हैं। हमारे देश में विवेकानंद जी ने जन्म लिया, हमारे देश में ऋषि अरविंद हुए, हमारे देश में भगत सिंह, राजगुरु जैसे युवा हुए, लेकिन आज हमारे देश का जो युवा है वो कैसा है? इन्होंने धर्म के लिए, इन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन हमारे युवाओं ने अपने व्यसनों के लिए अपने आदर्शों को ही छोड़ दिया, अपनी फैमिलीज को ही छोड़ दिया, अपने कल्चर को ही छोड़ दिया। ये प्रभाव हुआ है अपनी संस्कृति को भूलने का।